बेटे। माँ पिताजी आ गए। इधर से गुरु। पिताजी पूजा शुरू हो गई। बस शुरू होने वाली है। भगवान जी को सब जेवरात पहना दिए। पुजारी लाने गए। लो भाई चंदर आ गए ये लोग। बड़ी देर कर दी भाभी। यशोदा मुझे एक जरूरी फोन कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। शंकर कातिल के बारे में बता दे, कैसा हुलिया था बताओ, बोलो। जवान था गुमारम लंबकर। हाँ हाँ हाँ। और उसका शिवशंकर एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर सर यशोदा बस थोड़ी देर में मैं नहीं ऐसा न कहिए आपको कुछ नहीं होगा आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते गुरु बेटे हाँ पिताजी अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना उन्हें कभी दुख मत देना अब तू मेरी जगह हाँ पिताजी यशोदा मुझे वचन दो कि तुम गुरु को मेरी तरह पुलिस अफसर बनाओगे वचन दो मुझे मैं वचन देती हूँ बार कहा है तुझे चोर नहीं बनना तू सिपाही का बेटा है सिर्फ सिपाही बनेगा खेल में भी और जीवन में भी समझा हाँ Go!
ए उमा की बच्ची, क्यों नहीं करी मेरी फोटो? कैमरे का उद्घाटन करने के लिए बाबूजी ने आज ही लेकर दिया है। कलर फिल्म डाली है? ए खबरदार, कलर फिल्म की बच्ची, एक झापड़ मारूंगा ना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, निकल नेगेटिव। अरे वाह, इतनी तकलीफ से तो फोटो निकाली तुम्हें देने के लिए क्या? हाँ हाँ। मिस उमा चंद्रकांत शर्मा, देख तू इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है जो अपनी फोटो किसी ऐरे गहरे न तू खड़े से निकल, वो भी बिना कपड़े के, मारूंगा एक झापड़। मिस्टर गुरुशंकर शिवशंकर श्रीवास्तव, मैं अपने घर की छत पर खड़े होकर कुछ भी उतार सकती हूँ। कुछ भी उतार सकती तो चल अपने कपड़े उतार, अपनी फोटो खींच। क्या बोला? देख 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 देख, मैं दूसरे कपड़े पहन कर रहता हूँ, तू दूसरी फोटो खींच ले, आखिर हम लोग बचपन के दोस्त हैं, है ना? ठीक है, मंजूर है। एक मिनट में आता हूँ। ओह नो, क्यों खुला रखा? गुरु ये बेईमानी है। बेईमानी है? आप खींच फोटो, अरे गुरु कोई देख लेगा। अरे देख लेगा तो क्या होगा, यही कहेगा ना तेरा कोई लफड़ा चल रहा है नकाब पोश डाकू के साथ। छोड़ो ना, मैं हार गई। छोड़ो छोड़ो प्लीज। जीत हुई है नकाब पोश डाकू, आई जी इनविजिबल गुरु, आई जी वन एंड ओनली आई जी गुरु, जो दिन को ना दिखता है न रात को, जिसे ना आदमी मार सकता है न जानवर, वो है आई जी उर्फ ये लो गुरु, गुरु। ये लो, साली उमा, मैं इसका बदला लूंगा, तूने एक होने वाले आईजी की इज्जत लूटी है, ये मेरा अपमान है, सरकार का अपमान है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे माँ, लोग शुभ काम में नारियल फोड़ते, तुम अंडा फोड़ रही हो। चुपचाप निकल जाओ, देसी अंडा है ताकत आएगी। मुझ कमजोर की तरफ भी देखो माँ, बेटी को अंडे और बेटी को दाल। मगर तुम तो वेजिटेरियन हो ना लता, दाल भाजी वाली बुआ। फिर मुझे बुआ कहा, देखो सारी पोल खोल के रख दूंगी कि तुम। नहीं लता नहीं, ऐसा नहीं करना। देख मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, जो भी कुछ है तुम ही लोग तो हो, माँ बाप भाई बहन सब कुछ तुम ही लोग तो हो, इसीलिए तो कभी कभी प्यार से कह देता हूँ बुआ। फिर मुझे बुआ, देखो ना भैया। क्या देखो ना भैया, तू भी को मोटे राम को पप्पू बोलती है, बोलना अप्पू। हाँ अप्पू पप्पू हाथी के बच्चे। बस बस बेटी बस, हो गया, ये ले दूसरा अंडा। मामा मुझ में बहुत ताकत आ गई, देखो मसल, देखो मसल। हाँ हाँ देख रही हूँ, कल भगवान जाने इंटरव्यू में पुलिस वाले क्या तेरा टेस्ट लेंगे। अरे माँ कोई भी टेस्ट लेने दो, मुझे सब कुछ आता है, कार चलाना आता है, मोटरसाइकिल चलाना आता है, तलवार चलाना आता है, पिस्तौल चलाना आता है, जवान चलाना आता है। ए चुप रे माँ, चलो आज तुम्हें एक नया खेल दिखाता हूँ। ए अप्पू अगरो, तू 10 गिन और मैं 3 माले पे, 1 2 इधर नहीं बाहर। अच्छा ए वो आजा, चल गुरु दिखा दे कमाल। देख माँ आज तेरे अंडे का कमाल, चल गन। एक एक दो उमा, क्या कर रही है तू? रोटी पका रही हूँ, दिखता नहीं, नहा रही हूँ। ठीक तरह से दिखता नहीं, बेशरम। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, मैंने तुम्हें नंगा घूमते नहीं देखा क्या? क्या बोला तू? क्यों बचपन में नहीं देखा जब तू 4 साल की थी? क्यों नीचे उतरते हो या फेंको पानी तुम पर? फेंको पानी? उस पोज में तुम्हारी फोटो बहुत अच्छी आएगी। क्यों कहाँ छुपती है? अब मैं तेरी फोटो लूंगा। नो गुरु प्लीज, डोंट डू दैट, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, उस टाइम वाली पप्पी थोड़ी सी मीठी थी, एक और हो जाए। गुरु अब मैं कैसे? सोच लो, कैमरा भी है, फिल्म भी है और वो भी कलर। नहीं गुरु नहीं।
को। ठीक है, पहले पहले आंखें बंद करो। लो बंद कर ली। गुरु जल्दी जल्दी आंखें खोलना मत। जल्दी 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 जल्दी। अरे माँ, ये इतनी देर क्यों लटका हुआ है? हाँ, अरे ये ऊपर क्यों लटका हुआ है? प्रैक्टिस माँ प्रैक्टिस। कहीं चोर चकमा देकर पाइप चढ़ के भाग गया तो पुलिस वाले को पाइप चढ़ना पड़ेगा कि नहीं, करेक्ट? हाँ, वो तो है। जल्दी 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 जल्दी। ये क्या हो रहा है बहन जी? देखा, मेरा बेटा कितना मेहनत करता है, रोज आधा आधा घंटा इसी तरह लटकता रहता है बैलेंसिंग प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, बैलेंसिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं माँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए। देखते ही बॉडी फूल जाती है उसकी। जल्दी। देखा देखा कैसी बॉडी फूल रही उसकी। अरे, ये खिड़की तो मेरे उमा के बाथरूम की है। क्या ये तो हैराम, उतारा उसे नीचे। अच्छा, कच्चे अंडे खाकर ये करता है। ठहर गुरु, नीचे उतर। नीचे उतर, नीचे उतर, बेशरम उतरता है कि नहीं, फौरन उतर नीचे। अरे माँ क्या कर रही हो, अगर मैं गिर गया ना तो इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। तुम अकेले मत जाना, मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है ठीक है। तुमने मुझे बुलाया था क्या बेशरम? आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। चलो ना अभी। चलो ना, मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? आज पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने पिता का आशीर्वाद ले लो। वो तो लूंगा ही माँ, लेकिन मेरे लिए पिता परमेश्वर सब कुछ तुम ही हो, मुझे तुम्हारा भी तो आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो है ही, तुम कामयाब रहो। आज मेरा निर्जल व्रत है, तेरी कामयाबी की खबर सुनकर ही पानी को हाथ लगाऊंगी। गुरु चलो ना, 9 बज गए। माँ मेरी फाइल वो रही। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, आते समय मंदिर से प्रसाद जरूर ले आना, मैं उसी से व्रत तोड़ूंगी। अच्छा माँ। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। एक टैक्सी देखी वो भी खाली नहीं। इंटरव्यू के लिए सिर्फ आधा घंटा रह गया। और ही टैक्सी 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 टैक्सी। चल गुरु भाग, जल्दी पकड़ टैक्सी। अरे साहब उतरो, टैक्सी हमने रोकी है। हाँ साहब, टैक्सी इन्होंने रोकी है तो हम चलो। अरे चलो कैसे, टैक्सी हमने रोकी है। रोकी है, खरीदी तो नहीं है ना, स्टूपिड रैसल। ए जड़िया स्टूपिड किसको बोलता है, एक देगा। ए मोटे, एक लात मारेगा ना तो फुटबॉल की तरह रोल होता जाएगा, समझा क्या? अरे छोड़ो ना साहब, आप जानते नहीं ये कौन है। अरे क्या पुलिस कमिश्नर है क्या? तो मैं आईजी हूँ। कल के आईजी है। हाँ। अगर ये आईजी है तो मैं फील्ड मार्शल हूँ, आर्मी कैंप जा रहा हूँ। चलो आप। अच्छा साहब। साला जड़िया, देखना गुरु ये गैस से मरेगा। गुरु बेस्ट ऑफ लक। डरना नहीं है गुरु, मुंह तोड़ जो आप। अरे फिक्र मत कर, मुंह ही तोड़ दूंगा। क्या एक, मेरा मतलब तुम जाना मत। वन सेकंड, बेस्ट ऑफ लक टू मी। अरे बेस्ट ऑफ लक। अपने चाचा जी से कहना कि उनका पार्सल मिल गया है और अब काम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। दिखता है क्या? गुरु शंकर श्रीवास्तव रिपोर्टिंग सर। आप आइए आइए आइए, कल के आइए साहब। आप इंस्पेक्टर मनचंदा, आपकी खिदमत में हाजिर है आईजी साहब। सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मुझे मालूम है अगर मैं आपकी जगह पे होता तो आपको भी लात मार के निकाल देता, लेकिन सर असल में बात तो ये थी कि मुझे यहां पहुंचने की जल्दी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम्हें जल्दी की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से घर जा सकते हो। मतलब मैं सिलेक्ट हो गया सर? सिलेक्ट सिलेक्ट, छाती 36 इंच नहीं सर 42, वजन 62 किलो 72 सर,
लंबाई 5.5। गलत फुट। गलत सर, 6 फीट। आपके हवलदार ने सब कुछ गलत लिखा है सर। क्यों? तुमने हवलदार की लड़की को आंख मारी थी जो तुम्हारा दुश्मन हो गया। यू आर अनफिट एंड यू गेट आउट। आप उस सड़ेले घिसेले मरेले को नौकरी दे सकते हो क्योंकि उसके चाचा ने आपको पार्सल भेजा था और मुझे नहीं। शट अप। तुम मुझ पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना। तो इन्हीं कानों से ये भी सुन लो कि अगर तुम फौरन बाहर नहीं गए तो एक पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने के जुर्म में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, समझे? सर, मुझसे गलती हो गई सर। मेरे पिताजी की पुलिस की नौकरी करते करते जान गई थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूं। मेरी माँ ने कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया सर। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कर्ज लेकर पढ़ाया है या बाजार में धंधा करके पढ़ाया? मेरी माँ के बारे में एक भी लफ्ज निकालो ना तू। मार मुझे। 8 साल तक चक्की पीसेगा तो तेरी माँ के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। मार, मार मुझे, अभी बताता हूँ तुझे, मार। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी माँ को पता चल गया तो मैं। गेट आउट। अरे क्या गुरु, मुंह तोड़ जवाब दिया कि नहीं? क्या हुआ गुरु, क्या हुआ? जानते हो वो इंटरव्यू लेने वाले कौन थे जिसे हम टैक्सी से निकाल रहे थे? उसने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। चलो, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। चलो। मैंने बहुत माफी मांगी लेकिन साले ने माँ को गाली दी और मैंने गुस्से में आकर हाथ उठा दिया। अब माँ का क्या होगा, वो निर्जल व्रत रखे बैठी है। माँ सहन नहीं कर पाएगी। माँ, गुरु एक आइडिया है, तुम कुछ दिनों के लिए नकली पुलिस वाला बन जाओ। हाँ, काली वर्दी तो पहननी है। आइडिया इतना बुरा नहीं है। मैं माँ से झूठ नहीं बोल सकूंगा। देखो गुरु, अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। हाँ, नहीं हूँ माँ, मैं माँ से झूठ नहीं बोल सकता। आओ आओ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मेरा बेटा जरूर कामयाब हुआ होगा। लो, मुंह मीठा करो। ले बेटी, ले पप्पू, तू भी ले और जा, सबको बांटा। और तू अपने हाथों से मुझे पानी पिला। क्या हुआ तुम दोनों? माँ, मैं पास नहीं हुआ। माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा फेल नहीं हो सकता। नहीं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? मेरा बेटा फेल नहीं हो सकता, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? माँ, माँ, अगर तुम झूठ बोलते थे तो तुम्हारा क्या जाता? माँ, क्या हुआ गुरु, क्या हुआ? उमा, माँ मर जाएगी। उमा, माँ मर जाएगी। तुम ठीक कहती हो, अच्छाई के लिए झूठ बोलना पाप नहीं। मैं नकली वर्दी पहनूंगा, मैं पहनूंगा। लेकिन वर्दी मिलेगी कहाँ से? अरे माँ, गुरु एकदम फिट है, परफेक्ट लग रहा है। ये नाटक कहाँ हो रहा है आपका? मैं तुमको नाटक वाला लगता हूँ क्या? माफ करना भाई साहब, जरा इमोशनल है, जल्दी भड़क जाता है क्या? चलो गुरु, पहले मंदिर चलते हैं, माँ ने प्रसाद के लिए कहा था। नहीं उमा, मैं नकली वर्दी पहन के मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे बाबा, चाहिए तो भगवान से माफी मांग लेना। चल, ये लो 50 रुपए। ड्रेस वापस चाहिए ना? ये 20 रुपए को। हाँ, माँ के सच्चे प्यार के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया। माँ, मुझे माफ कर देना। और माँ, इसे जल्दी पुलिस की नौकरी भी दिला देना। हाँ माँ, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए? मैं भी नहीं। अरे इतनी छोटी सी चीज के लिए माँ को क्या कष्ट देना? भगवान तुम दोनों पति पत्नी को सुखी रखे। अरे क्या कह रहे हो पंडित जी, ये मेरी पत्नी नहीं है। आप कुछ भी अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे क्या हुआ ये तो बताओ। तुमने पुजारी को आशीर्वाद देने से क्यों रोका? तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं? ठीक है ठीक है। अरे अरे सुनो तो सही, इतनी सी बात है? अरे ओ पंडित जी, ये मेरी पत्नी है, गॉड प्रॉमिस मेरी पत्नी है। चलो जल्दी से आशीर्वाद दो, चलो। अखंड सौभाग्यवती भाव। ओके
अरे अब क्या हुआ? डाइवोर्स पहले लेते हैं, शादी बाद में करते हैं। प्रसाद लाओ। अरे उमा रुको तो। छोड़ो मुझे ऑफिस जाना है। अरे मैं छोड़ो मुझे। उमा साहब। अरे क्या रे? उमा साहब हमारे होटल में बहुत दिन से गड़बड़ चल रहा है। अगर तुम्हारे होटल में गड़बड़ चल रहा है तो मैं क्या करूं? अरे साहब हम पुलिस वालों से शिकायत नहीं करेगा तो किससे करेगा? अरे कौन पुलिस, क्या बात? इंस्पेक्टर गुरु, इंस्पेक्टर। तू जानता है ना मुझे, ऑफिसर गुरु शंकर। यस सर, यस सर। नाम सुनकर कई दी पिशाब कर देता है। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया सर, तो... मैंने कुछ नहीं किया। साहब वो होटल देख रहे हैं ना आप? साहब हमारे होटल में एक औरत और एक मर्द आकर ठहरे। जब वो औरत आई थी ना साहब, तो बांस की तरह पतली थी, लेकिन अभी मोटा टायर की तरह फूल गई साहब। अरे कहीं गिर बिर गई होगी, पेट फूल गया होगा। अरे साहब इतना दिखाई देता है? तू तो इतना बड़ा पेट दिखा रहा जैसे जुड़वा बच्चे का हो। साहब देखिए देखिए वो जा रहे। चल चलो उधर। ए वॉचमैन, मरना है क्या? ए मैं तुझे वॉचमैन नजर आता हूँ क्या बे? चल निकल। ए कंपनी के बड़े आईजी है, बड़े आईजी, समझे क्या? माफ करना साहब, सलाम साहब, पहचाना नहीं साहब। अरे तू अभी पहचानेगा, क्या नाम है तुम्हारा? रघुनाथ साहब, बीबी को डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, सातवां महीना है ना, बहुत दर्द होता है। शीला डार्लिंग जरा बता देना कितना दर्द होता है। अयो अम्मा, अयो अम्मा, अयो अम्मा। पप्पी लहरी का गाना चालू होने वाला है क्या? हाँ ये झूठ बोलता है साहब। जब रूम में घुसी थी ना तो बांस की तरह पतली थी, अभी बाहर निकली तो ट्रैक्टर के टायर की तरह फूल गई है। बच्चा होने वाला है। सब भगवान की लीला है साहब, भगवान का बच्चा फैक्ट्री में ओवर टाइम हो रहा है क्या? ए, तुम्हारे पेट में क्या है? साहब वो तो दो महीने बाद पता चलेगा। साहब दो महीने के बाद पता चलेगा। ए पापा निकाल, इसके पेट में क्या है? निकाल, नहीं निकाल, नहीं निकाल, 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 निकाल। अयो निकल गया। ए गुरु ये देख, ए ये बच्चा है। हाँ हाथ किधर है, पैर किधर है? ये तो मैं समझा। अरे तू इसे पकड़। भागने का नहीं, भागने का नहीं। कहाँ का माल है? बांसवाड़ी का। बांसवाड़ी का बहुत अच्छा माल है आंटी का, मैं चखता हूँ। अरे देख वो गई। जाने दे यार, उससे ये माल अच्छा है। यहाँ किसी को भागते हुए देखा? जी इ, 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 इधर इधर ही रहा साहब। Thank you.
क्या मुसीबत? लेडीज को या बेबी वाह उस्ताद आपने कमाल कर दिया। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। ए पप्पू, अरे छोकरी किधर गई? भाग गए मारे छे गुरु। अरे मोटे, हाथ में आया हुआ केस निकाल दिया ना? तो तुम्हारे हाथ से भी तो आधा केस निकल गया। लड़का किधर है? अरे लड़का नहीं है लेकिन उसका ब्रीफ केस तो है। है? बोल। अरे हीरोइन अफीम। गुरु ये तो कई लाख का माल होएगा, क्या करें? ए हवाला साहब, सलाम साहब। ये पुलिस स्टेशन ले जाओ और अपने नाम पे एक पंचनामा लिखाओ। आप क्यों नहीं चल रहे साहब? ये वर्दी मैम। ओ हवाला साहब, क्या है ये वर्दी पहनकर हम बाहर नहीं जा सकते। स्पेशल ब्रांच जेम्स बॉन्ड। जा। तू जानता है ये नकली है, हथकड़ी लगवा दी थी ना? I'm sorry, गुरु। गुरु, चल। हरामखोर, हरामजादे, माल पुलिस को देकर तू खाली हाथ कैसे आया है? कौन था वो पुलिस ऑफिसर जिसने मेरे माल पे हाथ डाला है? कौन था वो? वो नकली पुलिस ऑफिसर था विकी। नकली? हाँ, और उसका नाम गुरु है। पप्पू, पुलिस। क्या पुलिस? असली वाली। अब क्या होगा? लगता है जो माल पकड़ा था ना, शायद उसी के बारे में। मर गए? एक मिनट। अरे पप्पू, गुरु कहाँ है? गुरु, तुझे वर्दी मिल गई? माँ वो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जी कौन है ये? माँ वो क्या है कि पुलिस में मक्खी भर। चल अंदर चल, देख कौन आया है। भाई साहब, ये मेरा बेटा है गुरु। अरे प्रणाम करना। ओ, ये अपनी लता के होने वाले ससुर हैं। ससुर? ससुर? हाँ। भाई साहब तुम्हारे पिता के खास दोस्त थे। और ये है अरुण। हेलो, आजकल ड्यूटी किधर लगी? बहन, ये पुलिस वाले तो थाने दफ्तर कचहरी की बातों से अपना पेट भरेंगे, हमारे समोसों का क्या होगा? मैं अभी लाती हूँ। मैं लता को ले आती हूँ। जी, मैं माँ को लेके आता हूँ। प्लीज कम। हाय, प्लीज कम। आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? नासिक से? ना ना ना, यहाँ नासिक से। नासिक से? चीफ इंस्पेक्टर तो अभी देशपांडे साहब ही होंगे। यहाँ देशपांडे साहब ही है। वाह क्या आदमी है, वाह। ये लंबा चौड़ा ऊंचा और आवाज क्या है। क्या बात कर रहे भाई, अरे पीटी देशपांडे तो कॉलेज में सबसे छोटे गिने जाते थे। आर यू ऑल राइट? ये होता है, खांसी आ गई थी। मैं तो उनके करेक्टर की बात कर रहा था। वाह क्या करेक्टर है, लंबा चौड़ा ऊंचा। चाची मिठाई तो लाइए। मिठाई आ गई, ये समोसा आ गए। हम लोग सब समोसा करेंगे, सब समोसा करें। लता भी आ गई, लता भी समोसा करेगी। आओ बेटी, सुखी रहो, जीती रहो। बहन, अरुण की मां तो नहीं है, सब कुछ मुझे ही करना है। अंगूठी पहना दे। भाई साहब, आप
आप ही की बच्ची है बेटा। अरुण लिया तुमने, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दिए। निर्जल व्रत ऐसे जल से नहीं छोड़ा जाता मां। मुझे माफ कर देना पिताजी, मां की जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला है। पुरखों से सुनते आए थे कि चोर पर मोर गिरता है, मगर कभी देखा नहीं था। मोरों की ऐसी कम तैसी, एक बार पता चल जाए कि ये गुरु है कौन, मैं उस हराम जादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बैठ दबा। विकी माई पार्टनर, उसकी जान लेकर माल खो देने से भी बड़ी गलती करोगे। जरा सोचो, जो आदमी हमसे माल छीन कर वापिस पुलिस में पहुंचा दे और किसी को कोई खबर ना हो, ऐसे आदमी को मौत के शिकंजे में नहीं, हमारे साथियों में होना चाहिए। पोरकी पहिया, अंकल तुम भी कभी कभी काम की बात कह ही जाते हो। हाँ, तुम भी कभी कभी काम की बात समझ ही जाते हो। टकलो, गुरु का पता लगाओ। ये लीजिए मैडम आपकी ड्रेस। थैंक यू। ये तुम पहनोगी? अकल को तो बेल्ट की जगह बांध लिया है, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है। चलो अंदर जाके ट्रायल लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जितने पैसे किराए में देते थे उससे कम में बन गई है। वो इधर ही देख रहा है, उसे शक हो जाएगा। चलो जल्दी ट्रायल लो, चलो ना। साहब किस स्टेशन में है मैडम? रेलवे स्टेशन में। अच्छा अच्छा, रेलवे पुलिस में। हाँ। मगर यूनिफॉर्म तो। उमा जल्दी आओ, ये लीजिए। थैंक यू थैंक यू। जल्दी। क्या है? अरे क्या हुआ, क्या बात है? ये जिप खराब है। जिप खराब है? ए, ए, लड़कियां जिप दिखती है क्या? फिर मुझे क्यों बुलाया? एक सेफ्टी पिन दो। नई वर्दी में सेफ्टी पिन लगाओ? अरे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी सेफ्टी कहां से होगी? अच्छा तुम आंखें बंद करो। क्यों? बंद करो ना। लो। थैंक यू। अब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो मैं तुम्हारे सामने आंखें बंद करके खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरा नाप कैसे मिल गया? तुम्हारे बॉडी के हर हिस्से का नाप मुझे मालूम है। मेरी बाहों का भी? चलो घर चलते हैं। नहीं मैं चलती हूँ। अरे मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। 9:30 की ड्यूटी है, अभी 10 बज चुके हैं। See you, bye. अरे सुनो तो, मैं बाइक पे छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, बैंक बहुत दूर है, यहाँ से मुझे सीधी बस मिल जाएगी। See you. एक मिनट, तुम तो सिटी बैंक में काम करती हो। कल ही ट्रांसफर हुआ था, अब बाय। ए, कभी कभी तुम पर शक होने लगता है। पुलिस वाले हो ना? बाय। पुलिस वाला हूँ ना, आज पता लगा कर ही रहूंगा। क्या यार, एक झटके में गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते? अरे अरुण, कैसे पुलिस वाले? ये बात है। हाँ। That's a good show. अरे वो हेड ऑफिस नहीं चल रहा है क्या? क्या है कि मैं घर जा रहा हूँ। अरे तुम्हें मैसेज नहीं मिला क्या? ऑफिसर रैंक वाले हर आदमी को बुलाया गया अर्जेंटली। वो क्या है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है। ड्यूटी इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यार। अच्छा तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। दोनों इकट्ठे साथ चलेंगे, अगर रास्ते में तुम्हारी मोटरसाइकिल बंद हो गई तो। कम ऑन। अपनी तो ऐसे ही बंद है। उबले होटल जाना है। बैठिए। कैसे हो बेटे? ठीक हूँ। चलो मीटिंग शुरू होने वाली।
माँ कैसी? बहुत खूबसूरत है, मेरा मतलब अच्छी है। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि देश में आतंकवाद फैलाने वाले अब हमारे शहर पर मेहरबान हो गए हैं। हमारे एक खबरी ने कहा है कि एक ट्रक गोला बारूद और हथियार लेकर शहर में आने वाला है। हमें हर रास्ते की नाकेबंदी करनी है, खास तौर पर हमें किसी भी कीमत पर इस ट्रक को पकड़ना होगा ताकि उस ट्रक के जरिए हम आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच सके। इस मिशन पर तुम और हम चलेंगे। इस मिशन की कामयाबी के लिए किसको क्या करना है इसकी पूरी डिटेल्स क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मल्होत्रा के पास है। ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गुड लक। अरे हम पकड़ेंगे। अगर कोई बात हो तो इस वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करना। ओके बॉस, आप फिक्र मत करो, माल गोदाम में। अगर माल नहीं पहुंचा तो तुम लोगों की लाशें शमशान जरूर पहुंच जाएंगी। ओके बॉस। लगा चुनरी में दाग। यूसुफी, अरे तेरी तो क्या करें। यस हेलो बॉस, पुलिस चेक नाके पे तैनात है, क्या किया जाए? तोड़ कर निकल जाओ। ओके बॉस, कमाल आशिक अली, तोड़ दो गाड़ी। रोको गाड़ी, रोको कमाल, तोड़ दो। चलो पीछा करो। वाह शाबाश आशिक अली, कमाल कर दिया तूने तो। अब देखता हूं मैं पुलिस को, पीछा करो। हेलो हेलो हेडक्वार्टर्स।
job. Bahut khoob. I'm proud of you. Bravo. Guru. इसमें कोई शक नहीं कि तुमने बहादुरी दिखाई, मगर पुलिस की वर्दी पहनकर धोखा भी दिया, जो बहुत बड़ा जुर्म है। एक्सक्यूज मी सर, इसने जुर्म तो किया है, मगर एक अच्छे मकसद के लिए और देश सेवा के लिए। अगर ये ना होता तो हम इतने बड़े माल पर कभी हाथ ना डाल पाते सर। तुम कहना क्या चाहते हो? कल को हर गुंडा पुलिस की वर्दी पहन ले और कहे कि मैं देश सेवा कर रहा हूं। मैं गुंडा नहीं हूं सर, मेरे पिताजी भी पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने ड्यूटी पर जान दी थी। आप शायद भूल गए होंगे सर, मेरे पिताजी जब मरे थे तो इंक्वायरी के लिए आप ही आए थे। तुम शिवशंकर के बेटे हो? यस सर। मैं भूला नहीं, नहीं भूला। अरे इतने बड़े बहादुर बाप के बेटे होकर रो रहे हो? अगर यह वर्दी ना होती सर तो शायद सच मुझे रो पड़ता। मेरी माँ ने बहुत दुख झेले हैं सर, पिताजी को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है सर। नेक्स्ट वीक आना बेटे, मैं कुछ ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि तुम्हें असली वर्दी मिल जाएगी। अंकल, अंकल ट्रक पकड़ा गया। कौन सा ट्रक? जिसमें हथियार आ रहे थे। और जानते हो ट्रक को पुलिस के हवाले किसने किया? उस हरामजादे गुरु ने। लो दारू पियो। तुम पागल हो गए अंकल, यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और तुम उसे कह रहे हो कि दारू पियो। विकी माय पार्टनर, मेरे दोस्त, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मगर ये सब दिखाने से क्या फायदा? अगर ट्रक का पता लगाते लगाते पुलिस यहाँ तक पहुँच गई तो क्या होगा? ओहो विकी, बॉर्डर से यहाँ तक की दूरी 8 घंटा 20 मिनट में पूरी होती है, और इस बीच में ट्रक यहाँ नहीं पहुँचा तो समझ लो गड़बड़ है। इसलिए 8 घंटा 35 मिनट पर फटने वाला टाइम बॉम्ब मैंने उसकी टैंकी से पहले चिपका दिया था। अब वो फटने ही वाला होगा। हे इस जग के देवताओं, देवियों, हे भोले शंकर, हनुमान जी, माँ दुर्गा, आज मुझे नौकरी दिला दे माँ, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे माँ। अब मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। ये फूल तुम्हारा आशीर्वाद है माँ। बालक, ये फूल इस देवी का आशीर्वाद है। ये क्या बदतमीजी है? तुम बदतमीजी कहते हो? ठीक है, चलती हूँ। उमा, अरे उमा, अरे शगुन तो खराब मत कर। अरे कम से कम भगवान को तो ख्याल करो, वो देख रही है। अरे भर्ती हो जाने दे, बार बार देखेंगे। भर्ती होने से क्या होगा, मुझ पर पुलिस की धौंस नहीं चलने वाली। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन असली वर्दी पहनूंगा उस दिन तेरे गले में वरमाला पहना दूंगा। क्या रे? हनुमान जी की तो शर्म कर। ए, काम की बात कर। आईजी ने बुलाया है, गाड़ी भेजिए। उमा, भगवान ने सुन ली, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम जाओ, मैं भगवान की जो जलाती हूँ। जाओ ना। आइए। हेलो। आईजी साहब ने मेरे लिए जीप नहीं भेजी? नहीं, ये गाड़ी भेजी है। उन्हें लगा होगा कि कल के आईजी को ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। जी हाँ, चलिए बैठिए। एक गुरु, हाँ, एक मिनट ठहर जा, मैं भी साथ। अरे नहीं, तू माँ को खुशखबरी देना। जा। अच्छा अच्छा, आइए। चलो ड्राइवर। आईजी साहब यहाँ रहते हैं? हाँ। वाह, लगता है ऊपर की कमाई काफी अच्छी है। हाँ, होगा क्यों नहीं, समाज सेवा जो करते हैं। इसे ऊपर ले आओ। तुमने कुछ कहा मुझसे? ऊपर चलो। आजी साहब ऊपर पहुंच चुके क्या? चलो। कुछ भी बोलो भाई। वाह वाह भाई वाह, क्या आवाज है आजी साहब की, जैसे स्टीरियोफोनिक स्पीकर लगे हो। आंखें तो टीवी कैमरा जैसी होंगी। अच्छा एक बात बताओ, आजी साहब की आवाज कुछ पतली पतली सी नहीं लग रही है? उन्हें कुछ जुकाम बुकाम तो नहीं हो गया ना? देखो भाई, जुकाम बहुत बुरी चीज है, हाँ? आदमी मर भी सकता है। मैं जुकाम से नहीं मरूंगा। तो फिर खांसी से मर जाओगे? कौन हो तुम? दोस्त, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। बैठो। कपड़े गंदे हो जाएंगे। सोफे बहुत साफ सुथरे हैं।
लेकिन काम गंदा है। जल्दी बताओ क्यों बुलाया है। बहादुर हो, चालाक भी हो, मगर जिस बाजार में अपनी काबिलियत को बेचना चाहते हो वहां खरीदार तो मिल सकते हैं मगर कदरदान नहीं। तो तुम कदरदान हो। अगर अपनी बहादुरी और चालाकी से हमारा फायदा करते तो हम तुम्हें मालामाल कर देते। और मालामाल होने के लिए मुझे देशद्रोही समाजद्रोही बनना पड़ेगा, यही ना? काफी समझदार हो। तुम गधे हो, इतना भी नहीं जानते कि हड्डियां कुत्तों के सामने डाली जाती हैं, आदमियों के सामने नहीं। पुलिस का कमीशन मिलने दो, पहला निशाना तुम गद्दारों को बनाऊंगा। कमीशन तो क्या, तुम्हें यहां से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तूने गलती कर दी विक्रम, तू बोला और मैं चला। मैं चला। पकड़ो इसे। हराम जादो गोली नहीं चला पाए, जाओ पकड़ो इसे। मुझे अजीत साहब से मिलना है। सामने जो साहब बैठे हैं ना, उनसे जाकर पूछिए। माफ कीजिएगा सर, मुझे अजीत साहब से मिलना है। आप? आपको आईजी से मिलना है? अरे आप तो खुद ही आईजी हैं। सर आप इस बात को कब तक याद रखेंगे? जब तक तुम मुझे याद दिलाने इस ऑफिस में आते रहोगे। देखिए सर, मैं आपसे नहीं आईजी साहब से मिलने आया हूँ। आईजी साहब ने मुझे पुलिस में भर्ती करने के लिए बुलाया है। आईजी का दिमाग खराब हो गया है जो तुम जैसे बदमाश को पुलिस में भर्ती करेंगे? तमीज से बात कीजिए सर। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? अगर दोबारा किसी शरीफ आदमी को बदमाश कहा तो जरूर सिखाऊंगा। इस ऑफिस में बदतमीजी गाली देने गुंडागर्दी किसे से जानते हो तुम? देखिए हाथ मत लगाइए। मैं बोल रहा हूं हाथ मत लगाइए। ये सब क्या हो रहा है? इस गुंडे ने मुझ पे हाथ उठाया सर। नहीं सर, सर मैं गुरुशंकर श्रीवास्तव हूं, आपने मुझे बुलाया था सर। और ये शट अप, आप दोनों अंदर आइए। कोई मेरे ऑफिस का डिसिप्लिन तोड़े मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यही बात तो मैं इन्हें समझा रहा था सर। जी नहीं, आप मुझे यह समझा रहे थे कि आजी साहब का दिमाग खराब है। मेरा दिमाग खराब है? हाँ। किसने कहा? इसने कहा सर। और फिर आप? मैंने नहीं, तुमने कहा था। स्टॉप इट, एक मत पर एक ही बोले। मनचंदा तुम बाहर जाओ। मैं सर? तुम्हें भी सुनूंगा, लेकिन पहले इसकी सुन लूं जो मुझे पागल समझता है। नमस्ते आईजी साहब। बाय 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 बाय। क्या लेना साहब? ए गुरु, अरे अरे गुरु, अरे भाई जाओ दिखाना। क्या हुआ गुरु? बस वही जो पिछली दफा हुआ था, मैं पुलिस में भर्ती होने के लायक नहीं हूँ। अनफिट हूँ, गुंडा हूँ, बदमाश हूँ। अगर फिर से पुलिस में भर्ती होने की कोशिश की तो मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। आईजी साहब ने कहा, आईजी साहब ने। अब तू ही बता, आईजी साहब के बाद मैं किसके पास जाकर अपील करूं? भगवान से, वो सब की सुनता है गुरु। नहीं पप्पू नहीं, उनकी ऑफिस में भी मनचंदा जैसे आदमी होगा। मनचंदा कौन? जाने दे, चल आज तू तेरी आंटी का पिला दे, शायद एक आग से दूसरी आग बुझ जाए। क्या बात करता है गुरु? चल चल। अरे रहो यार,
और पीऊंगा पप्पू, मैं और पीऊंगा और पिएगा। ए चिमले, एक खंबा और ला रहे। ए नहीं, ये एक लीटर और ला। ये ले, ऐसा कुछ कर दे कि साला गिर के बेहोश हो जाए। ये ले मेरे हीरो, अंटी का प्योर माल पियो। अरे भाई, और मत पियो, और मत पियो। दारू पीने से होता है लीवर खराब। क्या, कैसा लीवर, कैसा फीवर? अरे फीवर की ऐसी की तैसी, ले आओ एक और लीटर। अरे भाई मत पियो यार, अरे दारू खराब है। दारू खराब है? अरे कौन कहता है दारू खराब? मैं। तेरा दिमाग खराब। शराब मिलती।
साला खाम का मारा मारी करता है, तू लड़ता क्या रे? नहीं दादा, नहीं। साला पुलिस में भर्ती नहीं किया ना, नहीं तो सब सालों को डंडा मार मार के अंदर करता, समझा? अरे नौकरी नहीं दी तो क्या हुआ? हा? क्या हुआ? मैं पीऊंगा, नौकरी नहीं दी ना, सब सालों को देख लूंगा, सब सालों को। गुड नाइट। ए ऑटो, ए भाई ऑटो वाला, ए भाई काली बस्ती। मत बैठ, मत बैठ, कहाँ जाने का है? काली बस्ती। उधर जाने का नहीं मुझे। क्यों भाई? इसको भी भेज दे। अरे नहीं जाने का बोला है ना भाई? एक मिनट। क्या है? क्या है कि इस दुनिया में कोई भी किसी जगह अपनी मर्जी से नहीं जाता, उसे जाना पड़ता है। देखो मैं किधर जा रहा था, मैं किधर जा रहा हूँ? किधर जा रहा था? एवड़ा पी के गटर में जाने वाला है। ए, ए भाई, ए। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा के रे। को हाथ मत लगा। अरे किसको बोल रहे हो? अरे बच्चा, कोई बोल रहा है? बचाओ तो सही। पुलिस बुलाएगा, पुलिस शराब पी रहा है? हाँ माँ, मैं शराब पी रहा हूं। शराब बहुत अच्छी चीज होती है माँ। शराब पीने से सच बोलने की हिम्मत बढ़ जाती है, और मैं आज तुम्हारे सामने सच बोलने आया हूं। जलील, नालायक। नहीं माने, इन हाथों को तकलीफ मत दे। आज तक इन हाथों ने मेरी सलामती की प्रार्थना की है मां, लेकिन आज इन हाथों को भगवान से मेरी मौत मांगनी होगी मां। नालायक बेटे को आशीर्वाद नहीं, श्राप दिया जाता है मां, श्राप। गुरु, जहां तुम गए थे वहां? जानती हो मां, मैं कहां गया था? मैं पुलिस में भर्ती होने गया था। तो क्या? हाँ माँ, हाँ, लेकिन मैं पुलिस में नहीं हूं। उन लोगों ने मुझे हर बार फेल कर दिया माँ। वो वर्दी जिसे देखकर तूने अपना निर्जल व्रत तोड़ा था ना, वो भी मेरी तरह झूठी थी। हाँ माँ, मैं झूठा हूं, मैंने तुझसे झूठ बोला है, मैंने बापू की आत्मा से झूठ बोला है, लेकिन आज सब झूठ खत्म हो गया मां, सब कुछ खत्म हो गया। होश में आओ गुरु। होश में तो मैं अब आया हूं। अब आने दे उन पुलिस वालों को मेरे पीछे। क्या किया तुमने गुरु, क्या किया तुमने? क्या किया है मैंने? हा? अरे वही किया है जो एक मुजरिम को करना चाहिए। अब तक तो मेरा वारंट भी निकल चुका होगा। वारंट? इंस्पेक्टर शिवशंकर के बेटे का वारंट? वारंट? नहीं शर्म। नहीं माँ, माँ देख क्या रहा है बेशरम, सुना नहीं, चला जाए। छोड़ो माँ, किसे कह दे कि चला जाए यहाँ से। तुम्हारे यहाँ आने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगी। हाँ मैं चला जाऊंगा, फिर कभी इस घर में नहीं आऊंगा।
फिर कभी इस घर में नहीं आऊंगा। नहीं गुरु, तुम इस तरह नहीं जा सकते। जाओ भैया। अरे कौन भैया, किसकी बहन? आज सारे रिश्ते इस आग में पिघल चुके हैं। नहीं गुरु, रुक जाओ। क्या मुझे ढूंढ रहे हो इंस्पेक्टर? आखिर तुम गुंडे निकले ना, शराबी गुंडे। हाँ इंस्पेक्टर मनचंदा, मैं शराबी हूँ, गुंडा हूँ। शराबी जिसके सीने का साइज बहुत बड़ा है और जेब का साइज बहुत छोटा। तेरा साइज तो मैं थाने में ठीक करूंगा। नहीं मनचंदा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। बार बार मैं तुम्हारे पास आया लेकिन तुमने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं पुलिस में भर्ती इस भर्ती के लिए नहीं, इस मेडल के लिए नहीं, मैं देश सेवा करना चाहता था। लेकिन तुमने मेरी मां के सपनों पर, मेरे बाप की इच्छा पर थूका है। मैं बदला लूंगा मनचंदा, मैं इसका बदला लूंगा। रुक जा गुरु, वरना गोली मार दूंगा। मार गोली, चला। आज पुलिस की कोई गोली मुझे रोक नहीं सकती। आज तक मैं तुम्हारे पीछे भागता रहा, अब तुम मेरे पीछे भागना। पकड़ सकते तो पकड़ लो। गुड, वेरी गुड। जो काम हम ना कर सके वो काम पुलिस ने कर दिया। अब गुरु पुलिस की दुश्मनी में हमारी दोस्ती जरूर कबूल करेगा। जाओ, हमारे दोस्त गुरु को हमारे पास लेकर आओ। जाओ। तुम अपने हाथों का फौलाद और बाजुओं का लोहा गलत बाजार में बेच रहे थे गुरु। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने जिंदगी भर जिस लोहे की हिफाजत की है उसे ऐसा खंजर बना दो जिससे हर पुलिस वाले की गर्दन कट सके। प्रॉमिस। प्रॉमिस। She's a bad girl. She's a bad girl. She's a bad girl. She's a bad girl.
सामान बन गई सौदे बाजों के सौदों ने
मुझको बनाया गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु। धोखा है, धोखा है, ला 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 ला। धोखा है, धोखा है। मनु, जिस खंजर का नाम गुरु है उसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी धार अच्छी तरह चेक करना, कहीं तुम्हारी गर्दन न कट जाए। मदन, हीरे की पहचान सिर्फ जौरी कर सकता है, तुम जैसा अनाड़ी नहीं, समझे? थैंक यू की क्या बात है, आप कहें तो रोज छोड़ दिया। जी नहीं, रोज इतनी देर से नहीं आती, कल हम जल्दी आ जाते। एनीवे थैंक यू, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ जहर कितने भी खूबसूरत पैकिंग में क्यों ना हो, जहर ही रहता है। किस जहर की बात कर रहे हो? वो जो तुम्हारे रगों में उतर चुका है, या वो जहर जो तुमने माँ बहन और दोस्तों को दिया है? दोस्त? कौन से दोस्त? तुम जैसे धोखेबाज मक्का ढोंगी, आज तक मैं धोखे में रहा, तुम किसी जगह नौकरी करती हो, मगर आज पता चला वो नौकरी क्या है। मैं तुम्हें क्या समझा था, कितनी गिरी हुई निकली तुम। तुम मुझे गिरा हुआ कह रहे हो? तुम खुद को देखा है तुमने, किस गंदे गटर में गिर चुके हो। जिस राह पर तुम चल रही हो वहां सिर्फ तबाही है तबाही। वो आदमी जिसे खुद अपनी मंजिल का पता ना हो, वो दूसरों को रास्ता नहीं बताया करता। बहन जी, अगर आपकी शराफत और शिवशंकर की इज्जत का ख्याल ना होता तो रिश्ता कब का टूट चुका होता। मगर मैं बेटे के कमीनेपन की सजा माता पिता को नहीं देना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि आपका बेटा शादी में शरीक ना हो। मेरे लिए गुरु मर चुका है भाई साहब, और मरे हुए बहन की डोली या मां की अर्थी को कंधा देने नहीं आते। आप जब चाहें बारात ले आए, उसके स्वागत करने वालों में कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी बदनामी आपके बेटे के सहरे को मैला कर दे। गुड मॉर्निंग मनु साहब, गुड मॉर्निंग विकी साहब, गुड मॉर्निंग। गुरु, ये हैं डॉक्टर फर्नांडिस, आदमियों के स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट करने का काम यही संभालते हैं। क्या मतलब? अजी मतलब ये कि किसी को आंखें चाहिए, किसी को किडनी चाहिए और किसी को दिल, तो रातों रात दो चार को उठाकर साफ। और की पैया, मतलब ये कि यहाँ पर जिंदों की कीमत कम, मरले आदमियों का दाम ज्यादा होता। अरे छोड़ो स्पेयर पार्ट्स को, आओ गुरु तुम्हें डॉल से मिलवाता हूँ। आओ विके, जल्दी आना, मीटिंग का टाइम हो गया। ये मेरी प्यारी प्यारी पुसी कैट है। Hey, bad girl! बाहर आ जाओ जाने मन, कहीं ठंडे पानी में, तुम्हारे बदन की गर्मी कम हो गई, मेरा तो पोर की पहिया हो जाएगा। मेरे बदन की गर्मी से तो पिघला है ये पानी, पहले पत्थर था। पानी में जले तेरा गोरा बदन, ओए होए, क्या हुस्न है। 36, 36, 36, बोले तो भी पोर की पैया, ना बोले तो भी पोर की पैया।
सारा ग्रुप जान देता है इस पर। ये किस पर जान देती है? ये बात मुझसे पूछो राजा, वहां क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या याद होगा? हमें याद है वो जरा जरा। प्लीज टू मीट यू मिस्टर गुरु। बैड गर्ल, गुड गर्ल, माशुका जहरीली नागन, कितने रूप हैं तुम्हारे? मुझसे दोस्ती करोगे तो जान जाओगे। मिलाओ हाथ। ए पोरकी पैया, अरे नसीब वाले हो गुरु, रमा हर किसी से हाथ नहीं मिलाती है, जल्दी से पकड़ लो। अरे काय को छोकरी का मूड ऑफ करता है? इस हाथ को इंतजार करने की आदत नहीं। अरे आजा चल। पोरकी पैया, हाय, मार डाला जालिम ने, क्या इंट्रोडक्शन दी है। गुरु मान गए ना अपनी रमा को? मान गए साहब, मान गए। वैसे इनमें तो बहुत सी खूबियां और हैं जो हमने सोचा भी नहीं था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे दोस्त मुझे आईजी कहते हैं, आप जानना नहीं चाहेंगे आईजी का मतलब क्या है? लेकिन मैं तो आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। वैसे आईजी का मतलब है इल मैनर्ड गुरु। गुड बाय बैड गर्ल। आज एक ऐतिहासिक दिन है, जुर्म के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन। इस देश के हर प्रांत के माने हुए गुनेगार हैं आप, और आज पहली बार इस छत के नीचे जमा हुए हैं। सारे शहर की पुलिस इस बंगले के चारों ओर घूम रही है ये जानने के लिए कि इस कमरे में क्या हो रहा है। आप लोग भी बेताब होंगे ये जानने के लिए कि मनु ने आपको यहां क्यों बुलाया है। मेरे पास मास्टर प्लान है जिसके लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। ये क्या है? पोरकी पैया, हर ब्रीफ केस के अंदर 50 लाख रुपया है। ये पैसा एडवांस का है, काम हो जाने के बाद और भी पैसा मिलेगा। लेकिन काम क्या है? आपके सामने रखी हुई फाइल खोलिए। पॉइसन गैस जिसे 5,000 आदमियों को 15 सेकंड में मारा जा सके, 2 हेलीकॉप्टर, 1,000 ऑटोमेटिक राइफल्स, 30 मिलिट्री ट्रक्स, बारूद, इतना सारा बारूद सारे शहर को उड़ाना है क्या? नहीं, सिर्फ 4 फुट मोटे स्टील के दरवाजे को, जिसकी लंबाई है 20 फुट और चौड़ाई है 12 फुट। इसके लिए तो लेजर गन चाहिए जो स्टील को ऐसे काट देती है जैसे गर्म छुरी मक्खन को। मिस्टर गुरुशंकर, लेजर गन सिर्फ एटॉमिक सेंटर में होती है। मुझे मालूम है। तुम वहां कैसे पहुंचोगे? मुझे सिर्फ 2 दिन दीजिए, प्लान आपके सामने होगा। पोरकी पैया, मुझे हर चीज 10 दिन के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी। गुड, नाउ रिलैक्स एंड एंजॉय द पार्टी। देखो ना। हेलो, हाउ्स योर किडनी? ओके डॉक्टर, थैंक यू। हाय। जैसे डिसाइड किया था वैसे सब कुछ अरेंज कर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा सारा पैसा स्विस बैंक में जमा हो जाएगा। ओके, नाउ एंजॉय योरसेल्फ, ड्रिंक्स आर देयर। आप लोग मुर्गी तो खाते होंगे, और अगर मुर्गी खाते होंगे तो अंडा भी देते होंगे। ओपन योर माउथ। हेय, हाय बॉब। हेलो रामा। वाओ, क्या बॉडी है तुम्हारी। ऐसे लगता है जैसे किसी रेसलर की बॉडी हो। मैं रेसलर हूँ, मेरे देश में कोई नहीं मेरे से फाइट जीत सकता। रियली? रियली। हाँ, उस आदमी को देख रहे हैं आप? वो खुद को बहुत बड़ा पहलवान समझता है। रियली? रियली? अभी मैं उसको देखता हूँ।
प्राइज मिलेगा? जरूर मिलेगा, जो मांगोगे, बस दो चार हड्डियां तोड़ दो। वेरी गुड, आई बी बैक लेटर। आई बी वेटिंग फॉर यू। अब देखिए जादूगर गुरु का दूसरा कमाल। हे यू इंडियन जादूगर। हे, वन मोमेंट सर, वन मोमेंट। ये यहाँ। नाउ हियर। वन टू थ्री। डाला अंदर निकली मुर्गी। यू हैव अनदर एग। ओह, इंग्लिश मैन, इंग्लिश एग। वन सेकंड सर। इंग्लिश मैन का इंग्लिश अंडा। अब ये बताओ, ये मुर्गा है क्या मुर्गी? तोड़ो, तोड़ो। पैदा होने से पहले ही मार डाला। फाइट नहीं, इस वक्त हाथ सफाई का टाइम है, हाथ दिखाने का नहीं। गुरु, जरा इधर आना। हाँ आया। Shut up! Come on! Let's fight! You bloody dharpak! Che! I'm gonna fix the punk. हेलो। अरे अरे, जा कहाँ रही हो मैडम? जिसे मेरी हड्डियां तोड़ने भेजा था, जरा उसकी टूटी हुई हड्डियां तो गिन लो। अरे लाओ, वैसे तो हो तुम कीचड़ में रहने के लायक, फिर भी तुम्हारा चेहरा
असली रूप में दुनिया के सामने आना चाहिए। नमस्कार। सर, लेजर गन लाने का प्लान मैंने बना लिया है। बना लिया? कहो। हिंदुस्तान में ये गन सिर्फ कोरबा एटॉमिक सेंटर में मौजूद है। और की पहिया, ये तो अपन भी जानता है, लेकिन साला निकालेगा कौन? मैं निकालूंगा। कल का अखबार आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें एक न्यूज आइटम था जिस पर किसी ने गौर नहीं किया होगा। टेक्सास अमेरिका से एक हिंदुस्तानी साइंटिस्ट रिसर्च करके अपने मुल्क वापस आ रहा है, और वो कोरबा एटॉमिक सेंटर में काम करने वाला है। और मेरा प्लान है। आर यू डार्लिंग? डार्लिंग, ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग क्या? यस। मुझसे भी ज्यादा? यस। जरा चश्मा निकाल के देखो जी, ये कागज का बना ठंडा पेपर तुम्हारा पत्नी का गरम जवानी से कैसा इंटरेस्टिंग हो सकता जी? पार्वती अम्मा, हम इस न्यूज़पेपर में ठंडी जवानी को गरम करने का फार्मूला ढूंढता जी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। अयो फार्मूला, फार्मूला। डार्लिंग, लव मी। जॉनी। डार्लिंग। ओ जॉनी डार्लिंग। डार्लिंग। अरे यहाँ तो कोई और है। पप्पू चाहे जल्दी सो जाएगा। डार्लिंग। कौन? कौन? डार्लिंग। ये तुमने कौन सी मिठाई खिलाई है? सारे बदन में आग लगी हुई है। भाई जी ने दी थी, इसे फलन थोड़ कहते हैं। अरे डार्लिंग ऐसा नहीं करना, रेलवे फाइन कर देगा। ओ कमोन। डार्लिंग। पावरफुल। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। तुम्हारा पावर को क्या हुआ मालूम नहीं। उधर देखो, बम फूट रहा है। डार्लिंग, मेरे तो ठंड फूट रहा है। लो, एक और मिठाई खा लो प्लीज। नहीं डार्लिंग, मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। होने दो ना डार्लिंग, मुझे यही चाहिए। आयो पार्वती अम्मा, ये क्या करता जी? शी नहीं, ये ऊन का डिब्बा, फेंको फेंको, थ्रो इट। खोलो जी। खोलो? क्या खोलो? मुंह खोलो जी। नहीं जी, हम कुछ नहीं खोलेगा। एक बार एक खा लो जी प्लीज। डॉक्टर हमको मना किया जी, हमको डायबिटीज, एक भी खाएगा तो मर जाएगा जी। एक बार खा लो, उसके बाद मर भी जाएगा, परवाह ले। पार्वती अम्मा, तुम कैसा पत्नी जी? खा लो ना प्लीज। नहीं, हम नहीं खाएगा, हम नहीं खाएगा। खा लो ना। नहीं खाएगा। खा लो ना। नहीं। कुछ हो रहा है? हो रहा है? कुछ हो रहा है? हो रहा है? मुझे तो हो रहा है। हो हो गया? चेक देम। बेहोश है। ठीक है, मदन से कहो इन्हें ले जाए। वो लोग आ रहे हैं, सामान ले आओ। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही? अरे डॉक्टर वी डी नटराजन, जी आई एफ, बी आई एफ, बी आई जी, एम बी बी एस, लंदन रिटर्न जी। ये लाओ जी। ए, ये मेरी धर्म पत्नी है। नमस्ते। अरे कृष्णा, इधर आओ, डॉक्टर साहब मिल गए। ए? क्या हम लोग खो गए थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम में से कोई पहचानता नहीं है इसलिए। चलो चलो, संभाल के ले जाना। क्या? चलिए। ये है हमारा लेजर गन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जरा ऑन करके दिखाएगा जी। वो देखिए सामने, स्टील की प्लेट।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यह कोई लोग काम नहीं करता, नो पीपल वर्किंग जी। नहीं सर, आज 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे, आज कोई काम नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज हम काम करेगा जी, हम इस पर जरूर काम करेगा। Yes? वो साइंटिस्ट जो कुर्बा एटॉमिक सेंटर पहुंचा है वो नकली है। क्या? उसे गिरफ्तार कर लीजिए। हेलो 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 हेलो, अब हम समझाता जी। जब तुम लोग मॉलिक्यूल का वेट करता है ना, तो एटम का वेट करता है ना जी। अब एटम क्या है हम समझाता है, न्यूट्रन प्रोटन। तुम समझा, न्यूट्रन प्रोटन और प्रोटन न्यूट्रन इज इक्वल टू एटम। ट्रेजडी ट्रेजडी एंड ट्रेजडी इज माय लाइफ। ये जवानी जो जागते सोते पीते खाते उड़ते बैठते मस्ती भरी टेक्निकल सपनी देखती थी, और ये रहे मेरे पति। वो दुनिया में आइटम बम फोड़ता है, लेकिन 4 साल हुआ मेरी शादी हो गई, एक पटाखा भी नहीं फोड़ा। I got it! आ गया, हमको आ गया। कौन आ गया डॉक्टर? अरे कोई नहीं आया, हमको वो फॉर्मूला आया जो वर्ल्ड में किसी को नहीं आया जी। हटो जी हटो, हमारा ब्रेन काम कर रहा है जी। डॉक्टर हमारा ब्रेन। माय गॉड, हमारा दिमाग काम करता है जी। मेरा को रोक करना, मेरा को रोक करना। मेरा दिमाग फट जाएगा जी, हमको रोको मत जी।
बिस्तर पे तड़पो अकेली आय हाय हाय अय्यो वाह रमा वाह, तुम दोनों ने तो वाकई पोर की पहिया कर दिया। वेल डन गुरु, वेल डन। थैंक यू। विकी, हमारे पीछे पुलिस लग गई है। फिकर मत करो, विकी के होते हुए पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकती। रिस्क मत लो विकी, तुम लेजर गन लेके उतर जाओ, मैं पुलिस को चकमा देके अड्डे पे पहुंचता हूं। लेकिन गुरु, विकी लेजर गन बहुत जरूरी है। गुरु ठीक कहता है विकी, गाड़ी रोको। गाड़ी घुमाओ, जल्दी करो। हमने पुलिस के रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं लिखा, तो तुमने हर थाने में अपना नाम लिखवा लिया? ये अपने साथियों के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार है सर। मतलब ये कि शरीफ बाप का असर बाकी है। इसकी एक शर्त है सर, ये बयान सिर्फ आपके सामने देगा। अरुण सिंह सर, तुम जाओ। गुरु, तुम सचमुच गुरु हो। जितने अच्छे एक्टर हो उतने ही अच्छे पुलिस अफसर भी। तुमने अपना काम बहुत होशियारी से किया है। किसी को आज तक शक नहीं हुआ कि तुम एक पुलिस अफसर हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ये पुलिस की नौकरी छोड़ना चाहता हूं सर। क्या? जी हां, मैं पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन यह नहीं जानता था इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा घर नहीं रहा। नाम सुनकर मां मुंह फेर लेती है, दोस्त साथी सब गैर हो चुके हैं। एक बहन थी जिसकी आंखों में मेरे लिए कोई नफरत नहीं थी। मैं उसकी डोली उठाना चाहता था सर,
लेकिन आज उसकी आशाओं की अर्थी उठाए खड़ा हूं। ये अरुण सिंह जो अभी यहां से गया है वो मेरी बहन का मंगेतर है सर। वो एक मशहूर गुंडे की बहन के साथ शादी नहीं करना चाहता। तो ये बात है, मेरी वर्दी वापस ले लीजिए सर, या फिर दुनिया को बता दीजिए कि गुरु कोई स्मगलर गुंडा बदमाश नहीं है, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जिसने आपके हुक्म से यह बहरूप धरा। प्लीज सर, वरना मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कितना खुदगर्ज होता है आदमी, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने दोस्तों के बारे में। अगर हर इंसान अपने ही बारे में सोचने लगे तो यह दुनिया कितनी छोटी छोटी दुनियाओं में बटकर रह जाए। दुख करना है तो इस देश की सारी बहनों का करो, अगर सेवा करनी है तो भारत माँ की सेवा पहले करो। और अब भी तुम अपनी बात पर अड़े हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, जाओ और कह दो सबसे कि तुम कौन हो। जाओ अपनी बहन की डोली उठा, मगर इतना याद रखना, जब देश के दुश्मन तुम्हारी बुजदिली का जश्न मनाए, सड़कों पर खून गिरे और घरों में आबरू लूटे तो अफसोस मत करना, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूंगा। क्या? I'm sorry, sir. आप सही कह रहे हैं। लता की शादी की परवाह मत करो, अरुण ही उसका दूल्हा बनेगा और कन्यादान तुम ही करोगे। हवालात से भागने की तैयारी करूं सर, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सर ये एक बात बताइए, मेरी इंफॉर्मेशन के बगैर आपने छापा कैसे मारा? दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। एक लड़की उस गैंग की दुश्मन है, उसका नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन जब भी फोन करती है बिल्कुल सही खबर देती है। उमा। उमा कौन? हमारी इंफॉर्मर का नाम? और कोई नहीं हो सकता सर, और कोई नहीं हो सकता। आज मैं कितना खुश हूं सर, कितनी महान है वो। पहली बार भी उसने वर्दी दिलवाई और आज उसने मुझे पुलिस के हवाले किया। मैंने उसे बहुत गलत समझा था सर। अब देखना सर, हम दोनों मिलकर उस गैंग का क्या हाल करते हैं। वेलकम गुरु, वेलकम। और की भैया, अपन तो समझा था कि तुम कम से कम 10-15 साल के लिए अंदर गए, लेकिन तुम तो 15 मिनट में बाहर आ गए। चेयर्स। इतनी जल्दी आप लोगों का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? लॉकअप तोड़कर चला है। बहुत अच्छा किया, हमारे मास्टर प्लान के लिए तुम्हारी सख्त जरूरत थी, क्योंकि लेजर गन सिर्फ तुम ही चला सकते हो। हाँ वो तो चला सकता हूँ, लेकिन ये मास्टर प्लान है क्या? वो तो वक्त आने पर बताएंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी हर चाल पुलिस तक कैसे पहुंच जाती है। हमारे बीच कोई गद्दार है। तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया था। हाँ पकड़ लिया था, लेकिन एक लड़की की सिफारिश पर छोड़ दिया। लड़की? एक बहादुर लड़की जो गुंडों की साथी बनकर रहती है, पुलिस के लिए काम करती है। तो तुम लोगों को मालूम हो गया सब कुछ? मगर तुम लोग मुझसे कुछ मालूम नहीं कर सकोगे। तुम जैसे गद्दारों के हाथ में आने से पहले मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। पागल लड़की, किसकी जान ले रही थी जानती हो? अपनी नहीं, अपने गुरु की जान ले रही थी। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, जिस तरह मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया उसी तरह तुम भी मेरे बारे में धोखा खा गई। मैं उन लोगों का साथी नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मुझे उसी दिन भर्ती कर लिया गया था जिस दिन तुम अपनी हथेली पर जोत जलाकर बैठी थी। तुम पागल तो नहीं? मेरी असलियत जानकर भी प्यार जता रहे हो? तुम कैसी बातें कर रही हो उमा? उमा, मेरा नाम रमा है। ओ, प्लीज उमा मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। मैं वही हूं जो था तुम्हारा गुरु, अभी उमा काई जी। Thank you.
उमा नहीं हो, तुम उमा नहीं हो तो तुम्हारी शक्ल, जुड़वा बहनों की शक्ल एक जैसी होती है। ओह माय गॉड, तुम उमा की जुड़वा बहन हो। यह धरती कितनी छोटी है गुरु, मैं अपनी बचपन की दुनिया से लाखों मील दूर चली आई थी, मगर सड़क खत्म होने को आई तो पता चला मैं फिर एक बार अपने ही दरवाजे पर खड़ी हूं, वहीं उसी जगह जहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी। मम्मी मम्मी, मुझे बाथरूम जाना है। ओह देख, गुरु के पापा पुजारी के रूम में गए हैं, उनके साथ जा, जा। अरे सुन, तू रमा है कि उमा? रमा। दोनों एक जैसी लगती हैं। मुन्नी भाई, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। ये लो। चलो ठीक है, तैयार कर दो इसे, कभी मुजरा सुनने आएंगे। चलो बरखुरदार, तुम्हें भी कुछ बना दें। पुरकी भैया अंकल। हाँ। चुप हो जा। नहीं। मुन्नी भाई के कोठे पर मेरे पैरों में घुंघरू बांध दिए गए, आंखों में आंसू और पैरों में घुंघरू लिए नाचती रही। पांव जख्मी हो गई मगर घुंघरुओं की जंजीरें नहीं खुली, और उन्हीं जंजीरों में जकड़ी हुई मैं जवान हो गई। एक दिन मैं नाच रही थी, मनु और विकी कोठे पर आए, मुझे ममता की गोद से उठाकर बाजार की धूल में फेंकने वाले मेरे सामने थे। मुन्नी भाई, क्या बात है। आए डार्लिंग, मैंने अपना बदला लेने के लिए विक्की को अपनी अदाओं के जाल में फंसाया और यहां पहुंच गई। मेरे सारे कातिल मेरे सामने थे, लेकिन उनकी मौत से मेरा बदला पूरा नहीं होता, इसलिए मैं उनकी सारी खबरें पुलिस को देती रही और एक एक करके उनके सारे प्लान बर्बाद करने लगी। मगर एक डर हमेशा लगा रहा, कहीं अपना बदला लेने से पहले मेरी मौत ना आ जाए। कितनी भयानक कहानी है। क्या उमा बिल्कुल मेरे जैसी है गुरु? हाँ, सिर्फ तुम्हारी आंखें। प्लीज गुरु, मुझे मेरी मां से मिला दो। रमा, वो सब मुझसे नफरत करते हैं, वो लोग यही समझते हैं मैं बदमाश बन गया हूं, और अगर वहां जाते हुए हम लोगों को किसी ने देख लिया तो? आज मैं हर खतरे के लिए तैयार हूं, बचपन से लेकर आज तक अपनी मां और उनके प्यार के लिए तरसती रही, तुम्हें तुम्हारी मां के प्यार की कसम, मुझे ले चलो।
प्लीज मुझे ले चलो। तुम भैया, तुम शायद रास्ता भूलकर इस घर तक आ गए हो। कोई अपना घर भूल गया था, उसे रास्ता दिखाने आया हूं। आओ रमा। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते बेटा। मैंने एहसान नहीं, रमा को किया हुआ वादा पूरा किया है। मैं नीचे इंतजार करता हूं। हेरो गुरु, अभी से क्यों जा रहे हो बेटा? पूजा करके जाना। अगर ये पूजा में बैठा तो मैं चली जाऊंगी। मगर बहन, आज के दिन तो किसी को घर से नहीं निकालते। ये मंदिर नहीं, घर है। और शरीफों के घर की पूजा में जलील बाजारू गुंडे नहीं शामिल होते। मैं जा रही हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं अम्मा, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ गुरु। आंटी जी, आप सबको धोखा हो रहा है। नहीं रमा, तू कुछ नहीं बोलना। मैं चुप नहीं रहूंगी गुरु। आंटी जी, गुरु ने आपको धोखा दिया है। गुरु वो नहीं जो आपको नजर आता। कुछ नहीं बोलना रमा। गुरु एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? एक पुलिस ऑफिसर है जिसे देश के दुश्मनों का पता लगाने के लिए गुंडा बनने का नाटक करना पड़ा। तुम्हें पुलिस में कमीशन कब मिला? जिस दिन तुमने अपनी हथेली पर जोत जलाई थी। उसी दिन? हाँ, लेकिन तुमने अपनी नौकरी के बारे में हमेशा क्यों छुपाया? इसलिए कि मैं तुमसे छुपाना चाहती थी। होटल के कमरे साफ करती थी। मैं जानती हूँ कि तुम ये पसंद नहीं करते। अपनी माँ से भी छुपाया? मैंने पुलिस कमिश्नर के सामने कसम खाई थी माँ। आज भी अगर रमा ना बोलती, मैं अपने आप को तुमसे छुपा कर रखता। मेरे बच्चे, मेरे लाल। ला ला ला। अरे वाह मनु सेठ, तो आजकल ये काम धंधा चल रहा है मेरे भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये किसी दिन काम आएगा। अरे गुरु, रमा साथ में? ये साले कहां से आ रहे हैं? गुरु, न जाने क्यों आज तुम्हारी मां को मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूं। उन्होंने भी जिंदगी भर बहुत दुख उठाए क्या? हाँ रमा, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता की हत्या की गई थी। वो भी जन्माष्टमी का दिन था, गोकुलधाम मंदिर में। क्या, गोकुलधाम मंदिर? 15 साल पहले? हाँ, क्यों? वही तो कत्ल है जो मैंने देखा था। हत्यारा और कोई नहीं, वो राक्षस मनु है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं गुरु, इतनी जल्दी नहीं। तुम अपना फर्ज नहीं भूल सकते। पहले वो काम पूरा करना है जिसके लिए पुलिस ने तुम्हें यहाँ भेजा है, फिर हम दोनों अपना पतला लेंगे। Hi baby, ready for the dance? क्या लगा? टीवी रूम किधर है? कुत्ते साले, अब मनु को यकीन आएगा। मनु, ओहो साले, पुलिस के जासूस,
ये वीडियो कैसेट तेरी मौत है। रमा, रमा, गुरु वो टेप। तुम फिकर मत करो। गुरु प्लीज प्लीज वो टेप लिखिए। तुम फिकर मत करो। हाँ बकता हूँ मैं। अंधे हो गए हो तुम। वो पुलिस वाला है और रमा उसकी साथी है। ये देखो क्या बातें कर रहे हैं दोनों इस कैसेट में। मदन अच्छी तरह से सोच ले, अगर तू गुरु के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरूर मार देना। पहले ये कैसेट देखो तुम। जाओ मैं कहता हूँ कैसेट देखो। क्यों अंकल, आप भी पोर्की पैया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आरामजादे, मनु किसी ने कैसेट बदल दिया है। मेरी बात का यकीन करो मनु। मुझे ही ब्लैकमेल करने चला था। रमा गद्दार है, रमा गद्दार है। साले पोर्की पैया, आप उनकी रमा को गद्दार बोलता है। मनु गद्दार तो तू है। मनु मैंने उसे गोली मारी है, जाके पूछ उससे मैंने उसे गोली क्यों मारी है। गोली मारी है? फिर तो ये सचमुच कोई हमारे साथ जाल चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में रमा का नीचे डांस शुरू होने वाला है। वो हर चीज डांस नहीं कर सकती, वो हर चीज डांस नहीं कर सकती। मनु अगर तुमको मेरा यकीन नहीं तो चल कर देखो। यकीन तो अब तुझे दिलाना है। अगर रमा नीचे डांस कर रही होगी तो हरामजादे मुर्दे खाने तक तुझे डांस करना पड़ेगा। चल मेरे साथ, चलो। गोली मारी है मनु, विकी मैं सच कहता हूं, ये और नाच नहीं पाएगी, ये मर जाएगी। सबकी निगाहें मुझ पे लगी है, रखना जरा हौसला।
ही तेरे पाँव में बिजली है, यूं नाच तू पंख उठा। सबकी निगाहें तुझ पे लगी है, रखना जरा हौसला। घुंघरू नहीं तेरे पाँव में बिजली है, यूं नाच तू पंख उठा। पर भरोसा रखो, उसे कुछ नहीं होगा। रमा को क्या हुआ? ये बताने का वक्त नहीं, पहले तू डॉक्टर के पास ले जा, उसके बाद कमिश्नर के पास जा। भाग! और की पैनिया, अब भी बता दे गुरु, किसको यहां से भेजा था, वरना हम हड्डी से चमड़ा अलग करने में एक्सपर्ट हैं। क्यों, पहले मोची था क्या? बोल बोल, किसको भगाया था? मैंने किसी को नहीं भगाया। मदन मरते दम तक तुम्हें गद्दार कहता रहा, और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। उसने तो ये भी कहा था कि रमा को गोली लगी है। वो कुत्ता झूठ बोल रहा था, वो मुझसे पूरी की कल जब वो बदतमीजी कर रहा था तो मैंने थप्पड़ मार दिया, इसलिए उसने मुझे और गुरु को बदनाम कर दिया। वो समझता था मेरा और गुरु का कुछ चक्कर है। पौर की भैया, क्या तुम्हारा और गुरु का कोई चक्कर था? इसके साथ मेरा नाम लेकर इंसल्ट मत करो। जब से ये आया है हमेशा जलील करता रहता है, मेरा बस चलो तो इसे जान से मार डालो। क्या तुम इसे जान से मारना चाहती हो रमा?
पर तुम इसे कैसे मारोगे? गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगी और पहाड़ी से गिरा दूंगी, बस पुलिस को शक भी नहीं होगा। Not a bad idea. Good idea ना? Yes. इतना कुछ करने की क्या जरूरत है डार्लिंग? ये लो पिस्तौल और लगा दो इस हरामी को ठिकाने। सोच क्या रही हो रमा? उतार दो सब गोले हराम जादे की खूब। साले मेरी रमा को जलील करता है। अगर ये मर गया तो लेजर गन कौन चलाएगा? अरे कोई दूसरा ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसे गद्दार को जिंदा नहीं रहना चाहिए। रमा ये लो और सब गोले इसके सीने में उतार दो। टेक इट एंड किल द बास्टर्ड। टेक इट। गोली चलाओ, मैं कहता हूं गोली चलाओ। शूट द बास्टर्ड। इसे नहीं, तुझे खत्म करूंगी कमीने। नहीं, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकती। तुम तो मेरी जान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाथ मत लगाओ, मैं जान से मार डालूंगी। ये पिस्तौल मेरे हाथ में दो। नहीं, बच्चों वाले बात मत करो रमा। हराम, नमक हराम, मदन ठीक कहता था हमने। ये वो टेप जिसके अंदर इनकी गद्दारी की दास्तान है, और ये मुझे गुरु के कमरे से मिली। हम तुम्हें अपना साथी समझते रहे, और तू ये हमारी साथी नहीं है, ये रमा नहीं है। इसकी आंखें देखो, देखो इसकी आंखें। ये आंखें, ये तो सचमुच रमा नहीं है। तो कौन है ये? सांपों के जंगल में कोई अकेला नहीं आता मन्नू, ये मेरी असिस्टेंट है। ऑपरेशन से इसका चेहरा बदल के लाया हूं। रमा कहां है? रमा कहां है? पुलिस कमिश्नर के पास। अब तक वो तेरी सारी कहानी बता चुकी होगी और सारी पुलिस अलर्ट भी हो चुकी होगी। हरामजादे, तूने पुलिस को यहां पर बुलाया है और पुलिस को भी तू ही रोकेगा। चल कमिश्नर को फोन कर और बोल जो इन्फॉर्मेशन रमा ने दी है वो सब गलत है, वो सब झूठ है, वरना गोली सिर्फ किसी की जान ले सकती विकी, किसी की जुबान नहीं खुलवा सकती। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लावे मुंह खुलवाने की दवा ला। मां। बेटा। मां पोर की पैया। अरे इसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पोर की पैया, आप इनको कैसे जानते हैं? भतीजे जब मैं छोटा चोर था और मंदिर में एक छोटी सी चोरी कर रहा था तो एक पुलिस इंस्पेक्टर का मुझसे खून हो गया था। ये उसी की विधवा है। हत्यारे, तूने मेरे माताजी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। विकी, दूर रहा मेरी माँ से। अबे ये तो मेरी लकी पोर्की पैया है। माताजी अगर आपके पति ना मरे होते तो मैं अपने इस प्यारे से अंकुर को कहां से मिलता? कहीं सड़क पे पड़ा हुआ सड़ रहा होता। चला फोन करके कह दे कि तेरी भेजी हुई सारी खबर गलत है, वरना ये तुम्हारी माताजी भी पिताजी के पास पहुंच जाएगी। नहीं गुरु, कानून के खिलाफ कोई काम मत करना। अरे इसका तो मरा हुआ बाप भी करेगा। विकी, हमने जो मास्टर प्लान के लिए जहरीली गैस मंगवाई थी उसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है ना? अरे इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? माँ। गैस खोल दो। अबे बेवकूफ कर दे फोन, क्यों मारता अपनी बुढ़िया माँ को? नहीं, बस करो गुरु, बस करो, फोन कर दो प्लीज। माँ का दिल बहुत कमजोर है, वो मर जाएगी गुरु प्लीज। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं फोन करता हूँ। बंद कर दो। मां,
पानी दे दीजिए प्लीज। कोई पानी मत देना, चल फोन कर, फोन कर। अपनी जान दे बात की। गुरु इंस्पेक्टर गुरु हियर, पुट बी टू कमिश्नर ऑफ पुलिस। नहीं, ये तो क्या कर रहा है, अपना फर्ज भूल रहा है। फर्ज माँ की जान से ज्यादा बड़ा नहीं होता माँ। अगर तूने मुझे बचाने के लिए कोई भी गलत काम किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर इसने गलत काम नहीं किया तो हम दोनों की जान ले लेंगे। हेलो सर। गुरु। यस सर, आपको मेरा मैसेज मिल गया? हाँ मिल गया सर, प्रोग्राम चेंज हो गया, आप मेरे दूसरे सिग्नल का इंतजार कीजिए। तुम कहां से बोल रहे हो? सर ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये लोग भी मुझ पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना आप और मन चंदा करते थे। फालतू बात नहीं, ले जाओ इन सबको। मनचंदा, कॉल मनचंदा। आपने मुझे बुलाया सर? गुरु शंकर को जानते हो तुम? आप उस लड़के की बात तो नहीं कर रहे सर जो पुलिस में भर्ती न हो सका तो गुंडा बन गया? हाँ वही लड़का, तुम उस पर भरोसा करते हो? भरोसा और उस पर सर? बिल्कुल नहीं सर, मैं उस पर कभी नहीं भरोसा कर सकता। मेरा भी यही ख्याल था, इसका मतलब है गुरु फंस चुका है। आपको फौरन हमला करना चाहिए सर, वो बड़े जालिम लोग हैं, गुरु की जान को खतरा भी हो सकता है। अगर हमने अभी हमला कर दिया तो गुरु की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम कहती हो वो कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं, जब तक हमें प्लान मालूम न हो हम कुछ कुछ नहीं कर सकते। सईद साहब, आपका कितना सोना पकड़ा गया? मैं तो लूट ही गया, 60 करोड़ का सोना पकड़ा गया। 60 करोड़ नहीं, 65 करोड़। बॉब क्रिस्टो, आपका कितना सोना पकड़ा गया? पिछले 10 साल में इतने करोड़ का सोना गया, हम याद करता आंख में पानी आ जाता है। पोरकी पहिया, आप जानते हैं कि सोना कहाँ है? सरकार के पास। और सरकार ये सोना कहाँ रखती है? मालूम नहीं। हमें मालूम है। पोरकी पहिया, यही वो जगह है जहां हमारा सोना रखा हुआ है, हमें स्मगलर कह के हमसे छीन लिया जाता है और सरकार का भी सारा सोना यही है। इसलिए दोस्तों हमने फैसला किया है कि हम अपना सोना वापस लेंगे सूद के साथ। उसका मतलब तुम बैंक लूटोगे? हाँ, और जितना माल मिलेगा सब में बराबर बांट दिया जाएगा। मगर घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारा बंदोबस्त आप ही का किया हुआ है। हमारे पास वो जहरीली गैस है जिससे यहां पे रहने वाले 2000 आर्मी गार्ड्स बेहोश कर दिए जाएंगे, और बॉम्ब से जो इस मेन गेट को जो कि 440 वोल्ट से इलेक्ट्रिफाई किया हुआ है ब्लास्ट कर देंगे। आम काज है जो इस रास्ते से होते हुए हमें इस गेट तक पहुंचाएंगे। लेजर गन है जो इस 20 फुट ऊंचे और 4 फुट मोटे दरवाजे को काट डालेगी, और फिर आप जैसे प्यारे प्यारे साथी हैं। पोरकी भैया, फैसला हमें अभी करना है दोस्तों, या तो 1 घंटे के बाद हम बैंक में होंगे या फिर जेल में, बोलिए क्या कहते हैं आप? हम तैयार हैं। गुड, वेरी गुड। अंकल आपने इन्हें हिस्सेदार क्यों बनाया? अरे तू समझा नहीं, आर्मी को बैंक के पहरेदारों के साथ साथ स्मगलरों की लाशें भी मिलेंगी। वेरी गुड, लेकिन गुरु का क्या करेंगे? अरे वो हमारे साथ जाएगा।
मेरे प्यारे प्यारे गुरु, हम जल्दी से इस लेजर गन से इस दरवाजे का पोर्की पहिया कर दे। मुझे सोने के दर्शन कराते मेरे दोस्त। लगता है ट्रक के झटकों से इसके बोलने की मशीन टूट गई है। मेरी मां अगर तेरे कब्जे में ना होती तो मैं तुझे बताता कि तू कहां कहां से बोल सकता है। हरामजादे! गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। चलो ये दरवाजा काटो वरना तुम्हारी बूढ़ी मां के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खोल दो हथकड़ी। अरे रमा, तुम कहाँ है? वो लोग मिशन पर गए। वो जो मेरे हमशक्ल, वो कहाँ है? वो वहाँ है, वहाँ। हमारे पास वक्त नहीं है अंकल, I'm sorry। जाओ माल लोड करो, इसको पकड़ो, गाड़ियां लाओ, इसको भी पकड़ो। Thank you.
कमी रह गई मन्नु। क्या? इतना सारा सोना निकालने के लिए तो तुझे 3 दिन चाहिए, लेकिन तेरे पास तो 30 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं है। हम इतने लालची नहीं है गुरु, हमें तो सिर्फ 3 ट्रक चाहिए और बाकी के सोने से तो हम तेरी समाधि बनाएंगे, नहीं समझे? विकी इसे समझा दो। और की पहिया, तुम अगर गुरु हो तो हम परम गुरु हैं। ये टाइम बॉम्ब है, जब ये टाइम बॉम्ब फटेगा तब ये सिलेंडर फटेगा, और जब ये सिलेंडर फटेगा इसके अंदर की मरकुरी सोने को छुएगी, और जब ये मरकुरी सोने को छुएगी तो सारा सोना पीतल हो जाएगा, नहीं समझा? पर की पहिया, यानी के सोने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस खजाने के अंदर लाखों टन पड़ा हुआ सोना सब मट्टी हो जाएगा, और उसके बाद हमारे सोने का भाव बढ़ेगा। 5,000 रुपया तोला, 10,000 रुपया तोला, 50,000 रुपया तोला, 1,00,000 रुपया तोला, और हमारे पास 3 ट्रक सोने के भरे हैं, यानी कि हम करोड़पति अरबपति इस दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो जाएंगे, समझा? अब समझ गया पोरकी पहिया। हर विलन हीरो को मारने से पहले एक भाषण देता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी असिस्टेंट की मौत का इस रिमोट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक खिलौना है। लेकिन वहां बिल्डिंग में लगा हुआ टाइम बम आधा घंटा पहले फट चुका होगा, अब वहां ना तुम्हारी माँ का कोई निशान होगा ना हमारा कोई सबूत। मन्नू। बाय गुरु, बाय बाय। लॉगन, गोली चलाने से पहले देख ले मन्नू, बम का स्विच मेरे हाथ में है, मेरे साथ साथ तुम सब मरोगे, चला गोली मन्नू, चला। खोलो दरवाजा। मन्नू सेठ, अब तो ये सोने का पिंजरा पुलिस के आने के बाद ही खुलेगा। पुलिस, लगाए हुए टाइम बम में सिर्फ 4 मिनट बाकी है, इसे बंद कर दे वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सोच क्या रहा है? ला चाबी, ला ला, दे दो चाबी। पोजीशंस, मेरे सोने का क्या? अरे पहले दरवाजा बंद करो। Thank you.
ये क्या कर रही हो रमा? मैं रमा नहीं हूँ। रमा नहीं हो? कौन हो तुम? पूछ उस मंदिर से, जहाँ से एक मासूम बच्ची उठा के कोठे पर बैठती गई थी। पूछ उस कोठे से, जिसके अंधेरों में आंसू गुंगरू बनकर गूंजे थे। तुम और तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं तेरी मौत हूँ, मैं तेरी मौत हूँ। आगे मत बढ़, वरना मैं मार दूँगा। रमा छोड़ देना, बम पड़ जाएगा। दीदी मेरी बात तो सुनो, छोड़ दो। नहीं, तुम मुझे हमेशा हासिल करना चाहता था ना? रमा, लो लो विकी। मैंने कुछ नहीं किया। लो मैं आ गई। लो नहीं, छोड़ दे। रमा,